अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राहिल गिल और आप देख रहे हैं कॉमन सेंस। कहा जाता है कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, लेकिन हमारे मुल्क में बहुत सारे कॉमन लोग हैं जिनका सेंस बिल्कुल नहीं। तो हमने ये शो इसीलिए बनाया ताकि हम लोगों का कॉमन सेंस देख सकें। हमारे इस प्रोग्राम में कुछ कॉमन सेंस के सवाल होंगे, कुछ जनरल नॉलेज के सवाल होंगे, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि लोगों में कितना कॉमन सेंस है। तो आज मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये चाहता हूँ कि आप देखें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो लोगों को नहीं पता होते, तो वो आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगे। तो आइए चलते देखते हैं फैक्ट। उम्मीद करता हूँ जो फैक्ट हमने आज आपको बताया वो जरूर आपके काम आएगा और जिंदगी में कहीं ना कहीं आप उसे जरूर यूज करेंगे। लेकिन अभी हमारा वक्त हुआ है कि हम अपना प्रोग्राम शुरू करें और हमारे आज के प्रोग्राम का पहला सवाल कुछ ऐसा है कि कराची से एक फ्लाइट उड़ती है लाहौर के लिए और वो 1.5 घंटे में पहुंच जाती है, तो वापस 90 मिनट में आती है। ये क्या साइंस है? हम लोगों के पास जाते हैं, उनके जितने कॉमन लोग हैं उनमें साइंस ढूंढते हैं और देखते हैं कौन इसका क्या जवाब देता है। आइए, मेरा सवाल यह है कि कराची से लाहौर फ्लाइट 1.5 घंटे में जाती है, वापस 90 मिनट में कैसे आए? नहीं, ये रेजिस्टेंस का भी मसला होता है ना। ये तो नामुमकिन है, कैसे हो सकता है? क्या नामुमकिन है? मतलब 1.5 घंटे में जाती है और 90 मिनट में आ जाती है। जब 1.5 घंटे में जाती है तो 1.5 घंटे में वापसी आएगी ना। वो स्पीड टेस्ट कर देते होंगे भाई। क्या कर देते? स्पीड टेस्ट कर देते। हवा का भी मसला होता है, फ्लो ऑफ एयर, अगर डायरेक्शन ऑफ द एरोप्लेन है वो जल्दी चला जाएगा। मतलब दूसरा रूट लेकर आता जहाज? नहीं नहीं, उसी साइड पे जाता है। अगर हवा उस साइड की चल रही है और जहाज इस साइड को आ रहा है तो जल्दी आ जाएगा। 90 मिनट में नहीं। कितने मिनट में? आधे घंटे में आता। आधे घंटे में आता। कौन से गियर में जाते हैं? चौथे गियर में। चौथा गियर कहाँ होता है? उसमें 7-8 गियर होते हैं। फ्लाइंग करके आ रहा है, फ्लाइंग करके आ रहा है, टाइम तो वही लगेगा ना उसमें। मुमकिन है ऐसा? हो सकता है। 7-8 गियर होते हैं, कहाँ लगते हैं? कहाँ लगते हैं वो? पन्नी, एक हैंडल होता है यूं और एक होता है इस साइड पे, कार के हिसाब से लगते होंगे। सर आप किसी और से पूछो, इन मामले में कभी पढ़ा नहीं है। पाकिस्तानी एयरलाइनें आ सकती हैं? सर 45 मिनट, 90 मिनट आप बोल रहे हैं, वापसी के 45 मिनट हो गए। सॉरी। एक जहाज है कराची से उड़ता है लाहौर के लिए, 1.5 घंटे में पहुंच जाता है, वापस 90 मिनट में कैसे आ जाता है? इसका कुछ पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हर चीज होंगे ना। ये पता नहीं आपको कोई किस तरह का जहाज है जो वापस 90 मिनट में आ जाता है? वो वापसी में पैसेंजर उतारती है, आ गया तो। ऐसा तो कोई चीज नहीं है जो ये कहेंगे, ऐसा कोई पॉसिबल तो नहीं है। गियर ज्यादा लगा दिए थे क्या? हो सकता है। और गियर होते हैं जहाज में? गियर नहीं, गियर तो नहीं होते। तो फिर कैसे, कहाँ से कौन से गियर लगा दिए? बस टैप गियर मार दिया, उड़ा सही नहीं हुआ। उसके क्या फर्क, खराब हो गए होंगे, जाने में मसला हो गया होगा उसका। फ्लाइट जल्दी गई होगी, वापस भी तो आई होगी, तो 1.5 घंटा और 90 मिनट, ये कैसे हुआ? लगातार लेकर आएगा वापस 90 मिनट में आ गया, 1.5 घंटे में पहुंचा है। कोई तो साइंस होगी, वापस 90 मिनट में आ गया। शॉर्टकट मारा होगा? शॉर्टकट से आया होगा। ऊपर कौन से शॉर्टकट होते? ऊपर भी शॉर्टकट होते हैं। हाँ, हो सकते हैं, हर जगह पॉसिबल। या ऐसा है कि जहाज में गियर ज्यादा हो, उसमें टॉप गियर? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। रास्ते में रुका होगा यार, कनेक्टिंग होगा। और हवा की रुख की वजह से? हवा की रुख की वजह से लेट हो गया या जल्दी आ? नहीं, हाँ हवा की वजह से ज्यादा प्रेशर जैसे पड़ा तो 9 मिनट में आ गया। आप में कॉमन सेंस है? लोगों में कॉमन सेंस मैं ढूंढ रहा हूँ। बिल्कुल है कॉमन सेंस, अगर सही वक्त सही यूज किया जाए तो बिल्कुल है। अच्छा, मेरे सवाल के जवाब में, एक फ्लाइट है कराची टू लाहौर, 1.5 घंटे में पहुंची, वापस 90 मिनट में आ गई, ये क्या साइंस है? ये तो आप सिविल एविएशन से पूछे। आधे रास्ते से आ जाता होगा। नहीं, कुछ और साइंस सोचे ना, क्या हुआ? I don't know. जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ब्लंटली। आ रहा होगा, स्पीड में आ जाएगा, वापस जाएगा स्लो, आ जाएगा स्पीड में। या पैसेंजर लेट हो गए? मेबी कराची से जाने में पैसेंजर लेट हो गए होंगे। या इसमें तो कॉमन सेंस कोई बात ही नहीं है। अब ये जो सिविल एविएशन वाले हैं, सही जवाब तो वही दे सकते हैं, क्यों फ्लाइट लेट जा रही है, क्यों सही आ रही है, सही वक्त पे आ रही है, आप बता कैसे? कुछ तो सोचें, कुछ ट्रैफिक जाम, तेज स्पीड, गियर ज्यादा, क्या बोल सकते हैं? ये कैसे हो गया, 90 मिनट में आ ही नहीं सकता? नहीं आ सकता भाई, नहीं आ सकता। फ्यूल का भी कोई मसला नहीं होगा, ट्रैफिक का भी कोई मसला नहीं होगा, फिर क्या हो सकता? ट्रैफिक आसमान में कौन सी ट्रैफिक सिग्नल होते हैं ना यार, जहाज के भी यही हो सकते हैं कि कोई पैसेंजर लेट हो।
पैसेंजर लेट है भाई, तो डेढ़ घंटे की जगह वो 90 मिनट में आ गया, ठीक है यही कह रहे हो? मैं कोई पायलट थोड़ी हूँ जो मैं आपको आप